प्रोफेशनल एथिक्स के इस लेक्चर सीरीज में आज हम बार बेंच रिलेशंस इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करेंगे विथ प्रॉपर नोट्स एंड इजी एक्सप्लेनेशन। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो बार बेंच रिलेशंस क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है लीगल एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एट द एंड आप ये रियलाइज करोगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के आपके पास एक अच्छा खासा नोट्स भी तैयार हो जाएगा। इन नोट्स को अगर आप अपने लॉ एग्ज़ाम में लिखते हो तो आप फुल मार्क्स गेन करोगे। ठीक है, चलिए बड़े इंटरेस्टिंग मैनर में हम बार बेंच रिलेशंस को समझेंगे और साथ साथ में नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक से प्रोफेशनल एथिक्स के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अब देखो बार बेंच रिलेशंस। अच्छा, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हम ये कह सकते हैं कि द रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट between bar and bench, भाई क्या है bar bench relations? देखो ये जो word bar है इसका मतलब advocate से है, तो bar word एडवोकेट्स को डिनोट करता है, वहीं बेंच वर्ड हमारे जजेस को डिनोट करता है। यानी बार रेफर्स टू एडवोकेट्स, बेंच रेफर्स टू जजेस। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एडवोकेट्स एंड जजेस, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन एडवोकेट्स एंड जजेस नोन एज बार बेंच रिलेशंस। अब देखो बेसिकली हमारे जुडिशियल सिस्टम में इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ये जो दो बॉडीज हैं एडवोकेट्स और जजेस, ये दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डिलीवरिंग जस्टिस अमॉन्ग द सोसाइटी। ठीक है, तो बार यानी एडवोकेट्स और बेंच मीन्स जजेस दोनों इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और ये जो बार है यानी ये जो एडवोकेट्स हैं लॉयर्स हैं, ये जजेस को असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं कि वो राइट जजमेंट डिलीवर कर सके। ठीक है, जो लॉयर्स होते हैं दे आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट के ऑफिसर माने जाते हैं। ये जो बार और बेंच यानी एडवोकेट्स और जजेस के बीच का जो रिलेशन है वो बेसिकली दीज टू आर, यानी ये जो बार और बेंच हैं दे आर द टू व्हील्स ऑफ चैरियट ऑफ जस्टिस। बार और बेंच, एडवोकेट्स और जजेस क्या हैं? न्याय के रथ के दो पहियों के समान हैं। यानी इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस वो क्या है? इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आप किसी एक के कॉन्ट्रीब्यूशन को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि मान लो अगर जो एडवोकेट्स हैं, क्योंकि दे आर द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट और कोर्ट के सामने फैक्ट्स और एविडेंसेस को रखने का काम यही करते हैं, अग्रीव्ड पार्टी को जस्टिस दिलाने का काम एडवोकेट से करते हैं,
तो मानो अगर जो एडवोकेट्स हैं वो अपनी ड्यूटीज़ नहीं करते हैं, यानी कोर्ट में फैक्ट्स और एविडेंसेस को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो क्या जस्टिस पॉसिबल है? नो. वहीं जो कोर्ट है यानी जो जजेस हैं वो अपने वर्क को नहीं करते हैं, एविडेंसेस जो भी प्रोड्यूस किया जाता है एडवोकेट्स के द्वारा उन एविडेंसेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मैटर को एंटरटेन नहीं करते हैं, तो अगेन जस्टिस इज नॉट पॉसिबल. तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का जो रोल है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. तो इन दोनों के बीच किस प्रकार का रिलेशन होना चाहिए? इन दोनों के बीच कोऑर्डियल रिलेशन होना चाहिए, इन दोनों के बीच फ्रेंडली रिलेशन होना चाहिए, दोनों के बीच लव, दोनों के बीच अफेक्शन होना चाहिए, दोनों के बीच रिस्पेक्ट होना चाहिए. ठीक है, तो क्या हम दूसरे वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि कोऑर्डियल रिलेशंस, कोऑर्डियल मीन्स सौहार्दपूर्ण, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कोऑर्डियल रिलेशंस विच एग्जिस्ट बिटवीन एडवोकेट्स एंड जजेस नोन एज बार बेंच रिलेशंस. ठीक है, तो इन्हें भी क्या करना है, एडवोकेट्स और जजेस को भी, इनकी भी कुछ ड्यूटीज बनती है, कुछ ऑब्लिगेशंस इनके भी हैं, इन्हें एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड मेंटेन करके रखना है, एक दूसरे के पोस्ट को रिस्पेक्ट करना है, एक दूसरे के वर्क को अप्रिशिएट करना है. ठीक है, दिस इज नोन एज बार बेंच रिलेशंस. एंड व्हाई देयर इज रिक्वायरमेंट टू एस्टैब्लिश कोऑर्डियल रिलेशंस बिटवीन देम, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और जस्टिस दिलाना इन दोनों का क्या है, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है, अब देखो, अटेनमेंट ऑफ जस्टिस फॉर ऑल द पार्टीज ऑफ द केस एंड द सोसाइटी एट लार्ज इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर जुडिशियल सिस्टम. हमारे जुडिशियल सिस्टम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, अटेनमेंट ऑफ जस्टिस, यानी जस्टिस प्रोवाइड करना लोगों को, ऐसे पर्सन जो इन कॉन्फ्लिक्ट्स विथ लॉ हैं उन्हें क्या करना, रेमेडीज प्रोवाइड करना, ऐसे पर्सन जिनके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं किसी मैनर में, तो उनके फंडामेंटल राइट्स को रीस्टोर कराना इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर जुडिशियल सिस्टम. बार और बेंच यानी एडवोकेट्स और जजेस, दे आर द टू पार्टनर्स, ये क्या है, दो पार्टनर्स हैं जो हमारे इसी जुडिशियल सिस्टम के कोर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं. बोथ द पार्टनर्स मस्ट हैव म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट बिटवीन ईच अदर, और इसके लिए ज़रूरी है कि इन दोनों ही पार्टनर्स के बीच एक रिस्पेक्टफुल और एक कॉर्डियल रिलेशन बना रहे, दोनों पार्टनर को अपने ड्यूटीज परफॉर्म करना है डिलिजेंटली इफेक्टिवली, ताकि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो इफेक्टिव तरीके से काम करे और लोगों का जो भरोसा है हमारे जुडिशरी पे वो बना रहे. ठीक है, तो अब लिखो इंपॉर्टेंस ऑफ बार बेंच रिलेशंस, इंपॉर्टेंस ऑफ बार बेंच रिलेशंस. तो बार बेंच रिलेशंस क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा. अब इंपॉर्टेंस ऑफ बार बेंच रिलेशंस लिख लो.
इंपॉर्टेंस ऑफ बार बेंच रिलेशन। अटेनमेंट ऑफ जस्टिस फॉर ऑल द पार्टीज, अटेनमेंट ऑफ जस्टिस फॉर ऑल द पार्टीज ऑफ द केस, अटेनमेंट ऑफ जस्टिस फॉर ऑल द पार्टीज ऑफ द केस एंड मेंटेनिंग पीस एंड हार्मोनी इन सोसाइटी एट लार्ज, इन सोसाइटी एट लार्ज इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर जुडिशियल सिस्टम। हमारे जुडिशियल सिस्टम का क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव है बार एंड बेंच क्या है, दे आर द एसेंशियल पार्टनर्स। बार एंड बेंच आर एसेंशियल पार्टनर्स टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव। So both the partners must have a positive attitudes towards them, and they must put efforts in stabilizing friendly relations between them. आगे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बिकॉज दीज टू पार्टनर्स आर टू व्हील्स ऑफ चैरियट ऑफ जस्टिस, क्योंकि ये जो दो पार्टनर्स हैं वो क्या है, न्याय के रथ के दो पहियों के समान है, जिनका इंपॉर्टेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब देखो बेसिकली जब केसेस कंडक्ट होते हैं एक कोर्ट प्रिमाइसिस में, तो दो स्पेसेस होते हैं। एक प्लेस होता है बेंच का, जहां जजेस बैठते हैं, एक प्लेस होता है एडवोकेट्स का, जहां एडवोकेट्स स्टैंड करते हैं और प्ली करते हैं बिफोर द कोर्ट। तो जजेस बेंच हैं, एडवोकेट्स बार हैं, और इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है उस रिलेशनशिप को हम बार बेंच रिलेशन कहते हैं। लीगल एथिक्स ये कहता है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इम्पॉर्टेंट लिंब हैं इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और दोनों इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द पीपल। तो ये मैंडेटरी है कि इन दोनों पार्टीज को एफर्ट लगाना है कि ये अपने बीच एक कॉर्डियल, एक फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करें, एक दूसरे के स्टेटस पोजीशन की रेस्पेक्ट करें, और एक दूसरे के वर्क को क्या करें, अप्रिसिएट करें। ठीक है, दिस इज व्हाट
कॉल्ड एज बार बेंच रिलेशंस। ठीक है, आई होप बार बेंच रिलेशन क्या है और क्या इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर रिलेशन का हमारे जुडिशरी में, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरे वीडियोस आपको किसी मैनर में हेल्प करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।